galvanize हो रहा है. What do you have to say about this? What are you seeing here versus what are you seeing over there? मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपने रेस किए हैं. सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि वर्जीनिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक ऑर्गेनाइजेशन है फर्स्ट पाकिस्तान. सो फर्स्ट पाकिस्तान ने वो ऑर्गेनाइज किया था सेमिनार था इमरान रियाज की रिहाई के हवाले से, लेकिन उसके बारे में फिर बात करता हूँ. पहले मैं थोड़ा सा इस पर कनेक्ट करूँ जो शाहीन सवाई साहब ने बात की, जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो पाकिस्तान की इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं. इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग इशूज उठते हैं. पहली बात है कि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उनको ये पता नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन थी दुनिया में, अब तो नहीं होती डेवलप कंट्रीज के अंदर. अब तो सिर्फ 6 मुल्क हैं दुनिया में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया वगैरह, जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है. लेकिन जब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन होती थी तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा या मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा ही उसे कहते थे. चूंकि बाद में गोएबल्स ने मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा का इतना गलत इस्तेमाल किया और उन्हें इतना झूठ बोला कि यूरोप में और तहजीब याफ्ता दुनिया में लफ्ज़ प्रोपेगेंडा जो था उसका मतलब नेगेटिव हो गया. अदरवाइज प्रोपेगेंडा जो है वो चर्च का था और उसे को 200 साल पहले चर्च ने एक मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा कायम की थी जिसका मकसद ये था कि आप आइडियाज को प्रोपेगेट करते हैं और उसी के लिए मिनिस्ट्रीज होती हैं. गोबल्स का याद दिलाएं, डॉक्टर गोबल्स याद दिलाएं कौन था जो देखने वाले हैं उन्हें. जी जी जी, वो हिटलर की कैबिनेट में थे, हिटलर के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थे और वो जाहिर है कि नाजी रिजीम का हिस्सा थे जब होलोकॉस्ट हुआ. उसके बाद ये लफ्ज जो था ये बदनाम हो गया. तो एक तो जाहिर है कि मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा इस हकीकत से वाकिफ नहीं, लेकिन ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि हमें मरियम औरंगजेब साहिबा की जो स्टेटमेंट है उसको इन रिस्पॉन्स टू द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट को वेलकम करना चाहिए. भला आप अजीब होंगे कि क्यों मैं इतनी अजीब बात कर रहा हूँ. उसकी वजह यह है कि मरियम औरंगजेब साहिबा एक ऐसे फासिस्ट रिजीम का जो PDM होता है जिसमें चंद अफसरान एक तरफ है एस्टेब्लिशमेंट के, बाकी ये सारे सियासतदान हैं, ये एक ऐसा खौफनाक, ऐसा बहीमाना, ऐसा जालिमाना, ऐसा इनह्यूमन रिजीम है जिसकी कोई कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं है. ये एक ड्रामा करके हुकूमत पे काबिज हुए, उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जितना रूल ऑफ लॉ का मैकेनिज्म है जिसमें बेसिक कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का मीडिया है, उसके इदारे हैं, 33 टेलीविजन चैनल्स हैं, इन्होंने सबको तबाह कर दिए, इन्होंने सब चीज़ों पर कंट्रोल हासिल कर लिया. और यही रिजीम है, हमें मालूम नहीं है कि कौन से स्पेसिफिक अफराद रिस्पॉन्सिबल हैं शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के लिए, लेकिन इस पे तो एग्रीमेंट है ना कि यही जो PDM होता है इसके अंदर ही वो अनासर छुपे हुए हैं जिन्होंने शहीद अरशद शरीफ को ट्रैक किया और उन्हें कीनिया में इन्होंने कत्ल किया. इसी रिजीम के अंदर वो अनासर छुपे हुए हैं जिन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे 3 नवंबर में वजीराबाद में उन्हें कत्ल करने की कोशिश की. और शायद मुझे नहीं ठीक तरह से पता कि 18 मार्च को भी क्या दूसरी दफा उनको कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो और बहुत से लोग कन्विंस हैं कि दोबारा भी कत्ल करने की कोशिश की गई. इसी रिजीम में वो अनासर शामिल हैं जिन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल को, जो शिकागो की एक यूनिवर्सिटी के एकेडेमिक हैं, उनको नंगा करके बिजली के करंट लगाए और 1 महीने के लिए उनको चक्की में डेथ सेल में रखा. इसी रिजीम में जिसकी मरियम औरंगजेब रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने जमील फारूकी को उठा लिया रात को, नंगा करके मारा. इसी रिजीम में वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट रिस्पेक्टेड कॉलमनिस्ट अयाज अमीर साहब को सड़क पे जुदोकूब किया, जिन्होंने और बड़ी चीजें की. अच्छा, इमरान रियाज को पहले पकड़ा, थाना थाना शहर शहर ले गए. ये देखें, सब चीजों को भूल जाए, सब बातें भूल जाए, इन्होंने, ये वो रिजीम है जिन्होंने पुलिस के जरिए इमरान रियाज को 11 मई को उठाया, एक दिन के बाद यानी पुलिस की कस्टडी में एक लीगल प्रोसेस के थ्रू मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 3 PMPO के थ्री उठाया और अगले दिन नामालूम अफराद के हवाले कर दिया. और ये वही रिजीम है जिसको मरियम औरंगजेब साहिबा रिप्रेजेंट करती है, जिसके पुलिस अफसर, इंस्पेक्टर जनरल एंड डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस लाहौर हाई कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमने ISI से चेक कर लिया है, पुलिस के पास नहीं है. इमरान रियाज उठाया किसने? पुलिस ने. हवाले किसके किया? ना मालूम किया. अब कहते ना हमें पता है, ना ISI को पता है, ना IB को पता है, ना MI को पता है, उसे शायद अफगान तालिबान ले गए, वहां ये हैंड ड्रॉप कर रहे. ठीक है, अच्छा, अब आप इसकी, इसका जो पूरा एक ढांचा है इस इलीगैलिटी का, इसका सितम जरीफी ये है कि मरियम औरंगजेब साहिबा वेलकम, ये बात है कि ये तो, हम तो इनसे ये डरते हैं कि ये कातल भेजेंगे, ये उजरती कातलों के जरिए असेसेंस के लिए जिस तरह से कीनिया में इन्होंने कत्ल करवाए हैं इस रजीम ने, ये कहीं पे भी कत्ल कर सकते हैं लोगों को. तो इस लिहाज से हम सारों को वेलकम करना चाहिए
कि वो कातिलों का जो रजीम है वो मजबूर हो गया, चूंकि हम डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में बैठे हुए हैं, ये कातिल जो है ये मजबूर हो गए हैं कि इन्हें हम पे कानूनी इल्जाम लगाने पड़ गए। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? अब तो ये ऑन रिकॉर्ड आ गए हैं हमारे खिलाफ स्टेटमेंट्स दे के, इन्होंने FIR काटी हमारे खिलाफ, कभी गद्दारी की, कभी बिट्रेयल की, कभी ट्रीजन की, कभी दहशतगर्दी की, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड आ गए हैं। इनकी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड आ गई है कि ये हमारे दुश्मन है, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अब जब ये हमें FBI को हमारे खिलाफ कंप्लेन करेंगे, ये MI5 को कंप्लेन करते हैं, ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस को कंप्लेन करते हैं बर्तानिया में, ये कनाडा में, तो हम उनको बता सकते हैं कि हेयर इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये तो हमारे पीछे पड़े हुए, हम वकील खड़ा कर सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, बिकॉज ये कोई हुकूमत थोड़े, ये अपने आप को ये एक ऐसा टोला है जिसको एक्सपोज करने की जरूरत है। सवाल ये उठाने की जरूरत है यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के अंदर कि क्या ये रिजीम जो PDM का हुंता है, ये किसी भी पासे से, किसी डेफिनेशन पे, ये हुकूमत जो होती है 21st सेंचुरी में, हुकूमत है अमेरिका के अंदर, हुकूमत है बर्तानिया के अंदर, हुकूमत है कनाडा के अंदर, हुकूमत होगी फ्रांस के अंदर, हुकूमत की शक्ल एग्जिस्ट करती है कम से कम हिंदुस्तान के अंदर, इस शक्ल से हुकूमत लगते हैं। जो एक जो उस मुल्क के सबसे प्रोमिनेंट वीलॉगर को, इमरान रियाज को, जिसको एक हफ्ते में तकरीबन 14-15 मिलियन लोग घरों में देखते हैं, जो हाउसहोल्ड नाम है, ये तो ऐसे ही है जैसे क्रिश्चियन अमानपोर को पुलिस उठाए और कहे कि उसको मैक्सिकन ड्रग माफिया ले गए, हमें नहीं पता, ये हुकूमत है? ये किस तरह से हुकूमत है? ये आप देखिए सवाल उठाए, इनकी कोई शक्ल सूरत ही नहीं है हुकूमत वाली, ये एक टोला है जिन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम के पीछे छुपा लिया है। ये हम क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हमें अक़वामे मुत्तहिदा को, दुनिया की हर लॉ फर्म को हमें बताने की जरूरत है कि ये हुकूमत ही नहीं है। ये YouTube को कहते हैं हम हुकूमत है, ये Facebook को कहते हैं हम हुकूमत है, ये Twitter को बताते हैं ये हुकूमत है, ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस को जाके बताते हैं ये हुकूमत है, ये उन्होंने कब्जा किया हुआ पाकिस्तान के ऊपर। ये एक ऑक्यूपाइंग रिजीम है, ये एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है जो ना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते, इन्होंने हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन की तोड़ दी। प्रिटेंडिंग टू बी अ गवर्नमेंट डॉक, आई एम विद यू। प्रिटेंडर्स, बजा दे प्रिटेंडर्स। जो एंशिएंट लॉ है हैबियस कॉर्पस का 12th सेंचुरी से, जिसके ऊपर कॉमन लॉ खड़ा है, कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह तो बाद में आते हैं, जो बेसिकली हैबियस कॉर्पस का लॉ है, प्रोड्यूस द बॉडी, ब्रिंग द बॉडी, जहां से कोर्ट शुरू होती है कॉमन लॉ के अंदर, कि अगर बादशाह के सिपाही किसी को पकड़ लें, अदालत कहती है ब्रिंग हिम, मेरे सामने लेके आओ, मैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए हम फैसला करेंगे कि उसकी गिरफ्तारी बनती है कि नहीं बनती, तुम उसको नाजायज रख नहीं सकते। जो बुनियादी कानून है कि विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स उसको रखो, जिसको दहशत गर्दी में 14 दिन में कन्वर्ट कर दिया गया, ये हैबियस कॉर्पस कोई नहीं मानते। आपके सामने कितने लोगों को छोड़ा हाईकोर्ट से, कहा लेके आओ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों को इन्होंने रुला दिया, इन्होंने पूरी पाकिस्तान की अदलिया को रुला दिया, ये किसी को मानते ही नहीं है, ये हुकूमत ही नहीं है। लेट्स पिवट टू एग्जैक्टली दैट। साबिर साहब, शाहीन साहब, मैं आता हूं आपके पास। साबिर साहब, What am I missing here? आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, आप तीनों मुझसे सीनियर हैं, मगर आपसे मैं शुरू कर